नमस्कार। राजसमंद में इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ रेप की घटना हो गई है। फिलहाल उस पीड़िता का इलाज किया जा रहा है, बताया है कि वह खतरे से बाहर हैं। राजनगर थाने में यह प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। बडाड़ा के सरपंच गणेश कुमावत ने बताया कि बडाड़ा क्षेत्र की एक 12 वर्षीय बालिका जो कि घर पर अकेली थी और उसकी माँ खेत पर गई हुई थी और पिता भी कहीं गांव में गए हुए थे, उसी दौरान वह जब अकेली थी तो वहाँ पर मजेरा तहसील देलवड़ा हाल बडाड़ा निवासी दिनेश भील वह वहाँ पर आया और बच्ची को घर पर अकेली देख कर उसने उसके साथ रेप कर दिया। जैसे ही ये घटना हुई उसके बाद परिजन जब घर पर पहुंचे तो बच्ची को लहूलुहान हालत में देखकर वो चौंक गए। बाद में उस पीड़ित बच्ची को लेकर परिजन आरके जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर इलाज करवाने के साथ ही उन्होंने राजनगर थाने में पहुंचकर रिपोर्ट दी है। पीड़िता के बयान की कार्रवाई फिलहाल चल रही है, उसका इलाज आरके जिला चिकित्सालय में करवाया गया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल वह खतरे से बाहर हैं। देखिए इस पूरे मामले को लेकर बडाड़ा के सरपंच गणेश जी कुमावत क्या कुछ कहते हैं, सुनिए। बडाड़ा में कल हमारे पंचायत क्षेत्र के बडाड़ा के एक मजा गांव है, वहाँ पर एक बच्ची के साथ कोई रेप की घटना आई है। तो मैंने उसके पिताजी ने मेरे को फ़ोन किया था, मेरी बच्ची के साथ ऐसा हो गया। मैं भी वहाँ पर गया, फिर मैं थाने उसको गया वहाँ पर। तो वहाँ पर वो बच्ची लगभग पाँचवीं में पढ़ती है और एक कोई दिनेश नाम का एक लड़का है जिसने उसके साथ ये रेप किया था। तो उस बच्ची लगभग कोई 10-12 साल के आसपास की हैं। तो ये घटना हुई, उसके बाद वहाँ पे थाने में जाके मुकदमा दर्ज हुआ है और पुलिस उसकी छानबीन कर उसकी जांच कर रहे हैं। जो रात को 12 बजे तक मैं भी वहीं पर था और उसको देख रहे हैं, उस बच्चे की, उस लड़के आरोपी की ढूंढने के लिए देख रहे हैं उसको। बच्ची की स्थिति क्या है, इलाज वगैरह करवाया? नहीं, बच्ची का इलाज करवाया, बच्ची की स्थिति भी ठीक है, ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मैं उसके साथ आज सुबह भी मैं उससे संपर्क किया है, ठीक है बच्ची की स्थिति। हाँ, ब्लडिंग हुई थी लेकिन ब्लडिंग फिर अभी रुक गई है, मैंने आज सुबह ही पता किया है। और आरोपी? हाँ, आरोपी भाग गया था वहाँ से। हम वहाँ पे भी गए थे, हमारे गांव के कुछ और मेरे मित्र भी गए थे वहाँ पे देखने के लिए, लेकिन वहाँ से भाग गया है। उसकी पत्नी वहाँ पे मिली थी, बाकी और वहाँ पे कोई नहीं था। तो आपने देखा किस तरह से राजनगर थाना क्षेत्र के बडाड़ा क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर 12 साल की मासूम बच्ची के साथ एक हैवान युवक ने बर्बरता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया है। जो कि वह पहले से शादीशुदा है और वो बताया जा रहा है कि वह यहां पर मजदूरी करता है और खेत सिजारी का कार्य करता है। वह अपने पत्नी और साली के साथ यहीं पर बडाड़ा में किराए के मकान में रह रहा था और इसी दौरान यहां पर उसने घटना को अंजाम दिया। बताया जो आरोपी है दिनेश भील वह शादीशुदा है, उसके एक बच्ची भी हैं, पत्नी है और वह उसके साथ ही यहां बडाड़ा में रह रहा था, जो कि मूलतः देलवाड़ा क्षेत्र के मजेरा गांव का निवासी है। जैसे ही ये FIR दर्ज होती है, FIR दर्ज होने के साथ ही राजनगर थाना पुलिस ने आरोपी की तलाश के प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा है। फिलहाल इस पूरे घटना को लेकर बडाड़ा के साथ आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है कि इस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की हरकत न करे। जुड़े रहिए जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।